सो हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग? तो आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सीबीएसई ने आप लोग के लिए रिलीज कर दिया है एक्चुअल सिलेबस, वो भी 2022 बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, और ये स्प्लिट आउट हुआ है टर्म वन और टर्म टू के अकॉर्डिंग। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से सिलेबस में रिडक्शन हुआ है और किस टाइप से यहाँ पे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और किस तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना है, वो सभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का मजेदार कॉन्टेंट मैं आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार, जैसे कि काफी दिनों से सभी के सभी बहुत ज्यादा परेशान थे कि एक्चुअल में ये जो सिलेबस का रिडक्शन है ये कब होने वाला है, तो ये आज के दिन हो चुका है, सारे सब्जेक्ट के लिए हो चुका है। अब एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन के लिए किस तरीके से स्प्लिट आउट हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, उसकी मैं पूरी पूरी बात करने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सिलेबस में किस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट आउट करा गया है पूरे के पूरे सिलेबस को। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और वो कर दिया गया है टर्म वन और टर्म टू के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, टर्म वन जो है वो होता है पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड, दैट मींस 35 मार्क्स का आप लोग का टर्म वन होने वाला है। टर्म टू जो रहेगा वो रहेगा आप लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बेसिस पे 35 मार्क्स का ये भी आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ये दो एग्जामिनेशन को स्प्लिट आउट किया गया है इक्वल सिलेबस के साथ। इसका मतलब ये कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको रखा गया है कहां पे, टर्म वन में। चैप्टर नंबर टू को रखा गया है टर्म वन में। चैप्टर नंबर 5, 6 और चैप्टर नंबर 8 को रख दिया गया है टर्म फर्स्ट के अंदर। दैट मींस इन चैप्टर्स के आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो एक चीज याद रखना है, इसको आप लोग ध्यान रखना है आप लोग को भी, और जब मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगा उस पर भी मैं ये चीजें ध्यान रखूंगा कि इतने चैप्टर्स को हम लोग को टर्म वन एमसीक्यू बेस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब अगली बात आती है कि टर्म टू के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स को रखा गया है। तो टर्म टू के अंदर चैप्टर्स को रखे गए हैं वो चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 7th, 8th और साथ में 10th नंबर के चैप्टर को यहाँ पे रखा गया। दैट मींस कि 5-5 चैप्टर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है टर्म वन और टर्म टू के अंदर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग हो सके तो डाउनलोड कर लो या फिर नोट डाउन कर लो, या सिंपली अपनी बुक में इस तरीके से मतलब कि टिक कर लो कि भाई चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 5th, 6th और आप लोग का 8th चैप्टर, ये टर्म वन के अंदर आने वाले हैं। और इसके लिए हमको एमसीक्यू बेसिस के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमारा टर्म वन पूरा इसी पे ही बेस्ड है। अब अगली बात आती है कि टर्म टू में कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि 9th और 10th चैप्टर ये आप लोग के रहेंगे टर्म टू के अंदर। तो टर्म टू शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, दैट मीन्स रिटन एग्जामिनेशन। तो मैं भी अब जो मेरे अपकमिंग वीडियोज है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करता हूं, हैवी सीरीज को हम लोग फिर से एक और बार मैं आप लोग के लिए लॉन्च कर देता हूं, जहां पे आप लोग को और अच्छे वे में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं कि चैप्टर्स के अंदर किस तरीके से रिडक्शन हुआ है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, यहां पे आप लोग की सारी यूनिट्स का तो रिडक्शन नहीं हुआ है, बट एक चीज याद रखिएगा, हर चैप्टर के अंदर से कुछ कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, इस तरीके से आप लोग के सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। तो अगर मैं बात करूं पहली यूनिट का, तो इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल नाम का जो टॉपिक था इसको रिमूव कर दिया गया है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम को भी रिमूव कर दिया गया है, साथ में सेकंड यूनिट से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड यूनिट से बैक पेन वाला जो टॉपिक था उसको हटा दिया गया है। अब इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वहां से एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज वाला जो टॉपिक है इसको रिमूव कर दिया गया है, और फिफ्थ चैप्टर में से आप लोग के ये दो टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद मैं बात करूं सिक्स्थ चैप्टर की, तो यहां पे जनरल मोटर फिटनेस वाला जो पूरा टॉपिक है इसको हटा दिया गया है। इसके बाद सेवन्थ जो चैप्टर है आप लोग का उसमें से ये वाले टॉपिक को रिमूव किया गया है, साथ में एट्थ चैप्टर में से फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स को हटाया गया है, नाइन्थ चैप्टर में से एक्सरसाइज वाला टॉपिक और ये स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसिंग वाला जो टॉपिक है इसको रिमूव किया गया है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो लास्ट यूनिट की, तो वहां से आप लोग का याले टॉपिक को रिमूव किया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप लोग कहीं अपनी बुक में या फिर कॉपी में टिक कर लीजिए कि जिसके थ्रू आप लोग को पता चल जाए कि याले टॉपिक्स को हमको नहीं पढ़ना। अब अगर मैं बात करूं आप लोग से कि एक्चुअल कौन सा सिलेबस है, तो भाई सेम टू सेम जो लास्ट ईयर के सिलेबस रिड्यूस हुआ था, सेम टू सेम उसी पैटर्न से आप लोग का रिडक्शन हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव नहीं किया गया। बस एक चीज याद रखिएगा, सिलेबस को लास्ट ईयर जैसे ही रिड्यूस किया गया है सेम वैसा का वैसा, और
साथ में जो आपका सिलेबस है उसको बाइफरकेट कर दिया गया है टर्म वन और टर्म टू के अंदर 5-5 चैप्टर्स। सो मेरी सब लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अब आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग को एमसीक्यू में चीजें ऐसी ही पूछी जाने वाली है। साथ में आप लोग का जो टर्म टू रहेगा, जो आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन है, उसमें भी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। दोनों को साथ में लेकर चलना चालू करें और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो इन सबके साथ साथ मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के एमसीक्यू के पैटर्न्स में और साथ में टर्म टू में आप लोग को रिटन एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मेरे तरफ से मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहता हूं ओसवाल के 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर, जो कि सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ रिमेनिंग जो 4 सब्जेक्ट, मतलब कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप लोग के कवर अप हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक बुक के अंदर। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। काफी अच्छी बुक आप लोग के लिए होने वाली है, जहां पे आप लोग के लिए 10 ईयर के पूरे पूरे सॉल्व पेपर्स अवेलेबल है विद आंसर्स। और अगर आप लोग पीसीएम से हो तो आप लोग को वही सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आप लोग के पीसीएम के साथ साथ आप लोग के जो एडिशनल 2 सब्जेक्ट होते हैं वो, साथ में आप लोग को अगर आप पीसीबी से हो तो पीसीबी के सब्जेक्ट्स आप लोग को मिलेंगे, प्लस आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, और अगर आप ह्यूमैनिटी से हो तो ह्यूमैनिटी के लिए भी अवेलेबल है, और साथ में अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए भी बुक्स अवेलेबल है, जहां पे फिजिकल एजुकेशन आप लोग के लिए इंक्लूडेड रहेंगे और बाकी जो आपके रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स है उन सभी के 10 ईयर्स के सॉल्व पूरे पूरे पेपर्स आप लोग को मिल रहे। काफी अच्छी बुक है, और एक बुक के अंदर जब आप लोग को इतनी सारी चीजें मिल रही है तो इससे बेस्ट बुक क्या हो सकती है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो आप लोग के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है। इन बुक्स को आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुक्स आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को बेहतर वे में स्टार्ट कर दीजिए न्यू सिलेबस और न्यू बुक्स के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक सभी के सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरीके का कंटेंट आप लोग के लिए और आता रहेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सब सक्सेस रहो, पढ़ाई करते रहो, मेरे स्टूडेंट भाई जान, बाय।